आज हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के दूसरे वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ स्पेशल केस में कैसे हम निकालते हैं। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है जो एग्जैक्ट नहीं है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये मेथड होता है कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx + ny। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो मतलब mdx + ndy नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में हम यदि इससे मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता है मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको हम ये वाले जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है x²y - 2xy² dx - x³ - 3x² dy = 0। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो पहले तो ये आपको दिख रहा होगा ये होमोजेनियस इक्वेशन आ रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर कितनी 3 आ रही है, इसकी पावर कितनी 3 आ रही है, इसकी पावर 3 आ रही है, इसकी पावर 3 आ रही है। यदि सबका पावर सेम आता है तो वो तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, dx dy लगा हुआ। तो आइए इसको हम बोले थे पहले इसको हम चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट के लिए इसको हम क्या चेक करना पड़ेगा, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल होना चाहिए डेल एम बाई डेल एक्स के, तब ये एग्जैक्ट हो सकता है। तो क्या यदि कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फॉर्म क्या होता है, mdx + ndy। तो देखिए ये क्या है, ये अपना m फंक्शन है mdx, ये अपना n फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे डेल m बाय डेल y निकालेंगे, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पहला x² बचेगा, dy/dy 1 हो जाता है, ये क्या बचेगी मतलब 2y² है, तो y के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2y मतलब 2 × 2 = 4 xy। ये अपना हो गया डेल एम बाय डेल वाई। अब डेल एम बाय डेल एक्स निकालते हैं, ये वाले टर्म को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² x³ का x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगी -6x - 6xy। अब देख रहे हैं आप डेल एम बाय डेल वाई नहीं इक्वल आ रहा है डेल एन बाय डेल एक्स के, तो ये क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपना है वो एग्जैक्ट नहीं है। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हम बताए थे क्या होता है, 1/mx + ny जो होता है ये IF होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपको कहीं पर मिले तो। तो देखिए हम क्या करते हैं एम में ये वाला जो टर्म है इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं mx + ny। तो अब देखिए ये वाला जो m है इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये x³y - 2x² y²। अब देखिए ये वाला जो टर्म है n इसमें हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे अब क्या हो जाएगा x³y इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये क्या है 3y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² y²। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दिख रहा होगा ये से ये उड़ रहा है x³y - x³y प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ये क्या बचेगा अपना 3 में से 2 जाएगा, ये बचेगा x² / y² तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बाबा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx + ny तो यहां पे क्या होगा 1/x² + x²y²। अब ये टर्म से यदि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखोगे आपको रिड्यूस हो जाएगा एग्जैक्ट में। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर 1/x² y² x² y
माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए थोड़ा इसको देखिए, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या बनेगा, x देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, y बट्टा y स्क्वायर है तो 1 बाय y बचा, सो क्या बचेगा 1 बाय y। अब देखिए दूसरे वाले इसको करते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, x बट्टा x स्क्वायर है तो एक h नीचे बचेगा माइनस टू बाय x ये dx। अब देखिए फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में क्या एक्स क्यूब है नीचे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सीरीज मतलब एक एक्स बचेगा ऊपर क्या बच रहा है एक्स बट्टा वाई स्क्वायर बचेगा। अब देखिए फिर यहां से ये है थ्री एक्स स्क्वायर वाई और इसको डिवाइड दे रहे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, एक वाई से एक वाई उड़ेगा ये होगा थ्री बाय वाई तो माइनस थ्री बाय वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको चेक करो क्या ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हुआ, हम बोल रहे थे जो वो सही है या गलत है, ये अपना m हो गया ये अपना n हो गया तो डेल m बाय डेल इसको m1 बोल देते हैं इसको n1 बोल देते हैं, डेल m बाय डेल y निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस वन बट्टा वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट का तो जीरो हो जाएगा। अब इसका देखते हैं डेल एन वन बट्टा डेल एक्स तो ये क्या हो जाएगी माइनस इसके पीछे माइनस वन बट्टा वाई स्क्वायर एक्स का ये कोएफिशिएंट हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसकी तो देख रहे चेंज हो गया ये। तो अब इसका तो आराम से आपको बोलते इंटीग्रेशन सीधा सीधा करेंगे एक्स वाले टर्म का सीधा सीधा इंटीग्रेट, इसमें ऐसे टर्म का इंटीग्रेट करते हैं जिसमें एक्स नहीं हो तो क्या है माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री बाय वाई डी वाई इक्वल टू सी। अब आराम देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे इंटीग्रेट क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई बट्टा टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग वाई इक्वल टू सी। अब देखिए एक्स वाई वाई ये प्लस लॉग या माइनस की रहना दिए माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब इक्वल टू सी। तो अब यहां से क्या करोगे एक्स वाई वाई इक्वल ये प्लस लॉग वाई क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी ये अपना आंसर आ गया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।